आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा दुकानें किराना स्टोर की हैं। बड़े शहरों और महानगरों से लेकर छोटे छोटे गांव तक किराना स्टोर देखे जा सकते हैं, कर छोटी दुकानों तक किराना स्टोर खोल कर बैठे हैं। किसी भी किराना स्टोर से आप अगर अच्छे से चलाते हैं तो आप इससे काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आजकल लोगों को अलग अलग तरह के वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जिसे स्टोर को खोलकर आप अपने इलाके में उन वस्तुओं की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने किराना स्टोर को आकर्षक बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप अगर काफी कम बजट में खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप ग्रोसरी स्टोर यानी किराना शॉप के बारे में जरूर सोचें। वो इसलिए क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे शुरू करने के लिए आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी बिजनेस मैन या फिर किराना स्टोर मालिक को हर छोटी से छोटी चीज से लेकर अनाज, दाल से लेकर हर रोज के इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को बेचना पड़ता है। इसमें उन्हें 5-10% तक प्रॉफिट मिल आता है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहीं ऐसी जगह पर इस काम को करना चाहिए जहां या तो किराना स्टोर ना हो या फिर उस जगह पर किराना स्टोर में बिकने वाला सामान की बिक्री ज्यादा होती हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कई लोगों ने केवल टाइम पास करने के लिए ग्रोसरी स्टोर खोला होगा, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ खास ज्ञान के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। शायद यही कारण है कि भारत में इस तरह का बिजनेस काफी लोकप्रिय है। किराना स्टोर के लिए सही लोकेशन। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है और ग्रोसरी स्टोर बिजनेस में भी आपको एक सटीक लोकेशन की आवश्यकता होती है। असल में ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक बार किसी जगह पर शुरू करने के बाद काफी लंबे टाइम तक उसी जगह पर चलता है। इसलिए किसी भी किराना स्टोर को खोलने या स्थापित करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन को चुनना पड़ता है। इसके लिए आपको एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ हर कोई इंसान आसानी से आ सके। इसके लिए सबसे अच्छी जगह वही रहेगी जहाँ ज्यादा लोग रहते हों या फिर जिस इलाके में ग्रोसरी की दुकान कम हो या आपके शहर के मेन मार्केट में जहां लोग हर रोज सामान खरीदने आते हों। ऐसे में आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप अपनी सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कों में, किसी अस्पताल या मंदिर के पास जैसे कुछ ऐसी जगह का चयन करें जहां आपको ग्राहकों की कमी ना महसूस हो। अलग अलग जगह और लोकेशन के हिसाब से लोगों की मांग भी अलग अलग होती है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जिस जगह पर अपना स्टोर खोल रहे हैं वहां किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप अपने स्टोर में सामान रख सकते हैं। किस जगह पर किस उम्र के लोग आपकी दुकान पर आते हैं आपको उसके आधार पर तय करना होगा कि आपकी दुकान में आप क्या रखें। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि जहां आप दुकान खोल रहे हैं वहां कोई दूसरा किराना स्टोर ना हो। ऐसे में आपका और दूसरा किराना स्टोर वाले के व्यापार में फर्क पड़ेगा। किराना स्टोर की इंटीरियर डिजाइनिंग। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप दुकान की ओपनिंग करें दुकान में सामान ऐसे रखने चाहिए जो कस्टमर को आकर्षित करें। ग्राहक आपकी दुकान को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और कोई ग्राहक आपसे कोई सामान मांगे तो उसे तुरंत मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने आपको बताया और आपने 5-10 मिनट ले लिया एक सामान को देने के लिए। आपको अपना माइंड सेट करना है कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाए जिससे कस्टमर को आपको सामान देने में आसानी हो। अगर आपकी दुकान का इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा है तो ये आपको काफ़ी सारा फायदा पहुंचा सकता है। जैसे कई बार कुछ ग्राहक कोई सामान लेने के लिए आते हैं और जब वो आपकी दुकान में देखते हैं कि दूसरा सामान भी याद आ जाता है कि मुझे तो उसे भी लेना था। ऐसे में सामान पर उनकी नज़र पड़ती है तो उसे भी ग्राहक खरीद लेता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।